सर, सरबजीत सिंह की हालत खराब है, वो पाकिस्तान में अस्पताल में भर्ती है, डीप कोमा में चले गए। अब परिवार वाले भी कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि फांसी के लिए सजा याफ्ता मुजरिम को बैरक से ले जाते वक्त कोई दूसरा जो है जेल में कोई जो अपराधी है वो उस पर हमला करे। क्या आप इसमें कोई साजिश का भी एंगल देख रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तान सरकार या जो जेल प्रशासन है कोट लखपत जेल का वो इन्वॉल्व हो इन चीज में? देखिए, जिस आदमी को सजाए मौत दी जाती है उसको अलहदा रखा जाता है, उसकी पूरे तरीके से हिफाजत की जाती है। पाकिस्तान के अंदर ये वाकया इंतहाई दुर्भाग्यपूर्ण है और पाकिस्तान की सरकार को ये बताना चाहिए कि इस तरीके का वाकया किस तरह पेश आया। सरबजीत ने पहले एक ख़त लिखा था और जिसमें लिखा था कि उसके साथ इस तरीके का वाकया पेश आ सकता है। इस वाकये की मैं पूरी निंदा करता हूँ। हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत से ये दरियाफ्त ज़रूर करेगी कि ऐसा क्यों हुआ है, ये इंतहाई दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके अंदर साजिश की बू आती है। इसमें जी, इसमें ये क्या संभव है कि अगर पाकिस्तान सरकार नहीं भी इन्वॉल्व हो तो जो जेल प्रशासन है कोट लखपत जेल का, खासतौर पे एक फांसी के लिए सजायाफ्ता मुजरिम को एक बैरक से दूसरे बैरक तक ले जाते वक्त ऐसा संभव नहीं है कि कोई दूसरा कैदी उस पे हमला करे? क्या कोट लखपत जेल में कुछ ऐसी आपको लगता है जेल प्रशासन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? देखिए, एक बैरक से दूसरे बैरक तक ले जाना और सिक्योरिटी ना होना, इसके लिए मैं हुकूमत पाकिस्तान को ज़िम्मेदार मानता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ज़िम्मेदार है, उनको ये मालूम था हिंदुस्तान के आवाम के जज्बात क्या हैं। हम लगातार ये बात कहते रहे सरबजीत को छोड़ दिया जाए, उसे हिंदुस्तान उसके ख़ानदान के पास वापस भेजा जाए, इसके बावजूद इस तरीके का वाकया पेश आना इंतहाई तकलीफ दे है। अगर कसाब की हिफाजत ना की जाती, चंद घंटों के लिए भी उसको सिक्योरिटी से बाहर कर दिया जाता तो इसका अंजाम क्या होता, ये अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन हम अपने मुल्क में अपने कानून के मुताबिक काम करते हैं, इंसानियत को पहला दर्जा देते हैं और हम पाकिस्तान से भी तवक्की करते हैं कि पाकिस्तान हमारे जज्बात का एहतराम करे। सुरक्षा में चूक के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, जो सरबजीत की सुरक्षा। हाँ हाँ, इतना अलवी साहब, उनकी बेटी ने कहा है सरबजीत की अगर भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, भारत सरकार उनके इलाज को बेहतर तरीके से नहीं करेगा तो वो आत्मदाह कर लेंगी। बहन ने कहा है कि हम अगर हमें पाकिस्तान जाने की वीजा नहीं मिले, अगर उनकी पत्नी को वीजा नहीं मिले तो वो लोग कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत देखिए वीजा देना ना देना ये पाकिस्तान का हक है। हमारी हुकूमत इस मामले के अंदर कोशिश कर सकती है, लेकिन वीज़ा देना ना देना यह हुकूमत पाकिस्तान का इख्तियार है। और जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है, हमारी एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर यकीनन वहाँ के अस्पताल के टच में होगी और फॉरेन मिनिस्टर ने इस मामले में एक बयान दिया भी है। सर, इससे अलग एक आज कोल घोटाले में एक नया मामला आया है, एक कंपनी के ऊपर लगातार सीबीआई का प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब वहाँ छापे पड़ रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कल हलफनामा देने के बाद इसमें जिस तरीके से उठा पटक हुई, राजनीतिक चहलकदमियाँ बढ़ी हैं उसको लेकर सीबीआई अपनी फेस सेविंग के लिए भी बहुत काफ़ी मुस्तैद दिख रही है। और इसीलिए आज आनंद फानंद में सुबह ही 8 जगह एक साथ छापे मारे गए और उसमें कार्रवाई तेज हो गई है। देखिए, सीबीआई इंडिपेंडेंट काम करती है, अपोजिशन बेबुनियाद तरीके से इल्ज़ामात लगाता रहता है, सीबीआई किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है ये सीबीआई का अपना मामला होता है। कब कहाँ रेड करनी है, किसको गिरफ्तार करना है, किससे सवाल जवाब करना है, ये सीबीआई का अपना मामला है। इसमें सरकार या कोई भी अधिकारी न दबाव बना सकता है न इंटरवीन कर सकता है, इसलिए सीबीआई का अपना काम है। बिल्कुल।
सर नरेंद्र मोदी कल हरिद्वार गए और वहाँ सारे संतों के बीच बैठे, उन्होंने आशीर्वाद लिया और साथ ही उन्होंने एक मैसेज दिया कि मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता नहीं हूँ बल्कि मुसलमानों का भी नेता हूँ, तमाम अल्पसंख्यकों का नेता हूँ। और उसी बात को उनके ही पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देखिए इस बात की मुहर लगती साफ नजर आती है क्योंकि गुजरात में मुसलमान भी रहते हैं और वो उनको वोट करते हैं। कोई भी आदमी जबान के निकले हुए अल्फाज से नहीं पहचाना जाता है। कोई भी आदमी पहचाना जाता है कि वो किस तरीके के काम करता है। इससे ज़्यादा मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर मेरा एक सवाल है, जिस तरह से सीबीआई ने कल अपने जो नया स्टेटस रिपोर्ट दिया है, हालांकि इसमें कहा है कि पुराने स्टेटस रिपोर्ट को शेयर किया गया था पीएमओ और कानून मंत्रालय और कोयला मंत्रालय से, आपको क्या लगता है कि जो नया स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने कोर्ट में दिया है, जो एफिडेविट में कहा है कि उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया गया, क्या ये सिर्फ कानून मंत्री को बचाने के लिए सीबीआई ने ये काम किया है उनको सील देने के लिए? देखिए, सीबीआई ने अपने हलफनामे में जो आखिरी हलफनामा जमा किया है उसे किसी के साथ शेयर नहीं किया। सीबीआई ने बहुत सफाई के साथ हलफनामे के अंदर ये बात कही है और मेरे ख्याल से इस हलफनामे के जमा करने के बाद ये चैप्टर बंद होना चाहिए। मामला अदालत के अंदर है, अदालत अपने आप अपना फैसला करेगी। हमें पूरा भरोसा है कि अदालत सही फैसला करेगी। कानून मंत्री के बचाव का सवाल तब उठता है जब कानून मंत्री ने कोई गलती की। सर आखिरी सवाल एक जुड़ा हुआ, सर अखिलेश यादव से, वो सर बॉस्टन जा रहे थे, वहाँ हार्वर्ड में कुंभ के लिए वो अच्छी बातें बताने जा रहे थे, अचानक आजम खान के साथ ऐसा हादसा हुआ एयरपोर्ट पे और उन्होंने भी अपने टूर को कैंसिल करके वापस लौटना मुनासिब समझा। आपको नहीं लगता सर कि इस तरीके से ये मैसेज गलत हुआ कि वहाँ अब वो लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसमें इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं रही, उन्होंने कोई इस प्रकार की कार्रवाई? सीधा सलमान खुर्शीद पे निशाना साधा है कि वो लोग की साजिश के तहत ये सारी चीज़ें होंगी। देखिए, इसकी मुझे पूरी मालूमात नहीं है इस मामले की, लेकिन सलमान खुर्शीद पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का कोई मतलब नहीं। सर, क्या है ये लिखा रहती है, सरबजीत की सुरक्षा में चूक के लिए।